टिकट बंटवारे के बाद कम नहीं हो रहा मध्य प्रदेश में कांग्रेस का टेंशन। भोपाल में कमलनाथ के घर के बाहर टिकट के दावेदारों का जमावड़ा, प्रत्याशी बदलने की मांग। प्रत्याशियों की लिस्ट के बाद बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हंगामा, राजस्थान मध्य प्रदेश में प्रदर्शन, कांग्रेस बीजेपी ऑफिस के सामने हंगामा जारी। टिकट कटा तो छलका, बीजेपी विधायक रघुनाथ मालवीय का दर्द, कार्यकर्ताओं के सामने फूट फूट कर रोए, पार्टी पर लगाया कर्मठ कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप। मध्य प्रदेश में सूची जारी होने के बाद नेता और कार्यकर्ताओं में भारी असंतोष पर बोले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, कहा टिकट नहीं मिलने पर नाराजगी जायज, जल्द दूर कर लिए जाएंगे गिले शिकवे। राजस्थान के मंत्री महेश जोशी का दावा, कांग्रेस में नहीं बीजेपी में असंतोष, हमारे पास कई चेहरे लेकिन बीजेपी के पास मोदी के अलावा कोई चेहरा नहीं। यूपी के लखनऊ में समाजवादी पार्टी के ऑफिस के बाहर अखिलेश यादव के भावी प्रधानमंत्री के लगे पोस्टर, पोस्टर पर सियासत शुरू। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर का समाजवादी पार्टी पर निशाना, कहा कांग्रेस को कमजोर करना चाहते हैं अखिलेश ताकि मुसलमानों को गुमराह कर सके। कांग्रेस एसपी की जुबानी जंग के बीच एसपी नेता रामगोपाल का कमलनाथ पर कुछ भी कहने से इनकार, कहा कमलनाथ मेरे दोस्त। अखिलेश यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कांग्रेस ने हमेशा जातिगत जनगणना का विरोध किया, मध्य प्रदेश में पिछले वर्ग का मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। उमा भारती ने फिर बीजेपी नेतृत्व पर निशाना साधा, एक्स पर लिखा मेरी बात सच निकली, बिना आरक्षण महिलाओं और खासकर पिछली जाति की महिलाओं की सत्ता में उचित भागीदारी संभव नहीं। राज्यों में चुनाव से पहले बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का दावा, कहा पांचों राज्य में हार की आशंका से घबरा गई है बीजेपी। एमपी विधानसभा चुनाव की तैयारी, इंदौर के स्ट्रांग रूम भेजी गई ईवीएम मशीनें, सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में रवाना की गई। कल कटरा वैष्णो देवी जाएंगे धीरेन्द्र शास्त्री, कटरा जाने के सवाल पर बोले देश के हर कोने में पहुंचाएंगे अपनी संस्कृति, देश रघुवर का है बाबर का नहीं। आईडीएफ कमांडो ब्रिगेड से मिले इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, हिजबुल्ला को दी चेतावनी, कहा अगर युद्ध में उतरा तो दूसरा लेबनान युद्ध भूल जाएगा। दिवाली से पहले दिल्ली की हवा जहरीली, राजधानी के तमाम इलाकों में एक्यूआई 300 के पार, दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुलाई बैठक। एक्यूआई बढ़ने से दिल्ली की हवा में खुला जहर, इंडिया गेट और सेंट्रल दिल्ली इलाके में बीते 24 घंटों में एक्यूआई 224 पहुंचा, इंडिया गेट के आसपास का इलाका सूना नजर आया। दिल्ली की खराब एयर क्वालिटी पर दिल्ली सरकार की अहम बैठक, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा दिल्ली में लागू किया गया ग्रैप का दूसरा चरण। मुंबई में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए पालिका के वाहनों में लगी मशीन, शहर के अलग अलग इलाकों में किया जाएगा पानी का छिड़काव, लगातार बिगड़ रही है मुंबई की हवा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में फिर बर्फबारी, पहाड़ियों पर जम गई बर्फ तो हाईवे किनारे की पहाड़ियों भी बर्फबारी के बाद सफेद हुई। इसरो ने जारी किया गगनयान मिशन टेस्ट का वीडियो, गगनयान टीवी T1 मिशन का क्रू मॉड्यूल लैंडिंग करता दिखाई दिया। टेस्ट उड़ान की सफलता के बाद अब टेस्ट फ्लाइट की तैयारी में जुटा इसरो, अब एक और टेस्ट फ्लाइट भेजी जाएगी जिसमें रोबोट भेजा जाएगा। बांसवाड़ा शहर में फायर ब्रिगेड ऑफिस के पास नजर आए तेंदुआ, सीसीटीवी में कैद तेंदुए की चहलकदमी। दिल्ली के ललिता पार्क बस स्टैंड के पास बने फुटओवर ब्रिज का एक हिस्सा ढहा, निर्माण पर उठे सवाल। मैसूर में दशहरा उत्सव के दौरान तोपखाने के अभ्यास के दौरान हुआ बम विस्फोट, हादसे में एक कर्मचारी बुरी तरह घायल। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में सैनिकों के साथ दशहरा मनाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, LAC के नजदीक सेना के पोस्ट पर पहुंचेंगे रक्षा मंत्री। हरियाणा के पंचकुला में शालीमार ग्राउंड में 171 फुट ऊंचे रावण के पुतले का होगा दहन, दशहरा उत्सव की तैयारियां पूरी। यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी ने मां शिवरात्रि की आराधना की, पूजा के बाद किया कन्या पूजन। मां नवमी के मौके पर हरिद्वार में बाबा रामदेव ने किया कन्या पूजन, पैर छूकर कन्याओं का लिया आशीर्वाद। लखनऊ के कालीबाड़ी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़, माता के दरबार की फलों और सब्जियों की गई सजावट, कन्या भोज हवन पूजन का किया गया आयोजन। दिल्ली के प्रीत विहार में गुफा वाला मंदिर में भक्तों की भीड़, महानवमी के मौके पर माता के दर्शन करने पहुंचे लोग। मुंबई में दुर्गा पंडाल में पहुंची एक्ट्रेस रानी मुखर्जी, पंडाल में रानी ने जमकर किया धुन की डांस।